इसका आधा पोर्शन जेंट्स के लिए है और आधा पोर्शन लेडीज के लिए है। आपके घर का ईस्ट में फेस करके अगर मैं खड़ा हूं तो राइट साइड का जो पोर्शन है वो जेंट्स के लिए है, लेफ्ट साइड का जो पोर्शन है वो लेडीज के लिए है। यहां दोष होगा तो लेडीज के ऊपर इफेक्ट करेगा, यहां दोष होगा तो जेंट्स के ऊपर इफेक्ट करेगा। मोस्टली सुसाइडल डेथ, अगर यहां पर टॉयलेट है साउथ ईस्ट के अंदर तो ये जबरदस्त फाइनेंशियल लॉस देगा, सुसाइडल डेथ देगा। सेप्टिक टैंक अगर यहां होगा साउथ ईस्ट की तरफ, सुसाइडल डेथ दे सकता है और ये लॉस दे सकता है। अगर तिजोरी किसी भी घर में साउथ ईस्ट कॉर्नर में रखी हुई है तो वहां का जो पैसा है इन्वेस्टमेंट वो डूब जाएगा या वो आदमी कर्जदार हो जाएगा। ये बहुत सी छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन बहुत ही जबरदस्त अपने इफेक्ट्स रखती हैं। इसी तरीके से यहां पर अगर आपने किचन रखा है, एक कुबेर का स्थान है, नॉर्थ का जो डायरेक्शन है कुबेर का स्थान है, तो कुबेर का स्थान मतलब वहां तो नोटों की ठप्पी रखी है आपने, अगर वहां से आपने आग जलाई तो क्या जलेगा, नोट जलेंगे। और ये आग का स्थान है साउथ ईस्ट कॉर्नर, और वहां पर आपने नोट की थप्पी रखी तो क्या, वहां तो आग लगी हुई है, वहां आपने नोट रखे तो भी नोट जलेंगे। तो हर चीज अपने स्थान पे होना जरूरी है। यहां पर आप नोट रख सकते हैं, अग्नि नहीं जला सकते, वहां अग्नि जला सकते हैं, नोट नहीं रख सकते। तिजोरी आपकी रखनी है तो आपको स्टेबिलिटी कॉर्नर में, ये राहु का जो कॉर्नर है यहां पर रखे, नॉर्थ फेसिंग, कबाट का दरवाजा नॉर्थ की तरफ खुलना चाहिए। बेडरूम के अंदर और किचन के अंदर अगर आपका मंदिर बना हुआ है तो ये वाइफ को दिमाग को गर्म कर देगा, झगड़ालू बना देगा। हम बोलेंगे वाइफ या लेडीज की प्रॉब्लम है लेकिन प्रॉब्लम वास्तु की होती है। किचन में मंदिर नहीं होना चाहिए, बेडरूम में मंदिर नहीं होना चाहिए। बेडरूम में अगर मंदिर होगा तो वो वाइफ को, बेडरूम का मंदिर और किचन का मंदिर दोनों स्थान पत्नी के हैं, स्त्री के हैं, दोनों स्थान के अंदर, बेडरूम के अंदर मंदिर होगा तो माता पिता के सामने कोई सेक्स नहीं करता, अपने बुजुर्गों के सामने नहीं करता, वहां तो तीन लोग के नाक बैठते हैं मंदिर के अंदर, तो आप उससे बचे। तो बहुत से लोग पर्दा लगा देते हैं, मैंने देखा है, लेकिन वो भी इफेक्ट नहीं करता। तो पॉसिबली हो, जहां तक हो सके मंदिर में और किचन में आप मत रखिए। किचन में अगर आपने रखा तो ये हेल्थ की प्रॉब्लम क्रिएट करता है लेडीज को। लेडीज के पास में सब तरह के सुख होंगे, पैसे की कोई कमी नहीं होगी, लेकिन वो जीवन में कभी भी संतुष्ट नहीं हो पाएगी मानसिक रूप से। और अगर वेस्ट में, आप साउथ वेस्ट के अंदर सपोज आपका बेडरूम है और वहां पर है तो उसका दिमाग चिड़चिड़ा होगा लेडी का, और वो फिर किसी की बात सुनने को तैयार नहीं होगी। इसलिए कोशिश ये करिए कि मंदिर नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में। भारत के अंदर मंदिर को एक प्राइवेट एक्टिविटी में गिना जाता है, इसलिए कोशिश ये लोग करते हैं कि मंदिर ऐसी जगह हो वहां किसी आउटसाइड विजिटर का कोई डिस्टरबेंस ना हो, इसलिए किसी कमरे में वो अपने बेडरूम में ही मंदिर बनाने की कोशिश करते हैं। चाइना में बिल्कुल उलट है, जैसे ही आप अंदर घुसते हैं तो सामने आपको मंदिर दिखना चाहिए। उनका कंसेप्ट ये है कि जैसे ही आप अंदर घुसते हैं तो आप कैसी भी नेगेटिव एनर्जी लाए हो, भगवान की मूर्त सामने आपको दिखी या फोटो सामने दिखा, पूरी नेगेटिव एनर्जी खत्म हो जाएगी, वो उसको खत्म कर देती है। इसलिए उनके हॉल के अंदर उनकी प्रेयर प्लेस मिलती है। अगर आपके पास कहीं भी जगह ना हो तो आपने हॉल के नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में अपना पूजा स्थल बना सकते हैं, फिर आप चाहें तो उसको कवर कर सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में हमारा दरवाजा नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर का, तो कहां रखेंगे? ईस्ट में कर सकते हैं। सपोज ये नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर है, यहां पर आपका दरवाजा है, आप इधर कर सकते हैं, लेकिन ये ध्यान में रखें कि जहां आपने मंदिर रखा है वहां आप जूते नहीं निकालें। इस तरीके से आप उसको कर सकते हैं।
साउथ ईस्ट में नहीं चलता, ईस्ट में चल सकता है, नॉर्थ के ईस्ट के बदले में ईस्ट में आप रख सकते हैं। हाँ तो वैसे अगर है तो साउथ ईस्ट में, अगर कहीं भी नहीं रखते तो साउथ ईस्ट में आप रखें तो फेस उसका नॉर्थ की तरफ रखें, फोटो का 9 अंगुल से ऊंची मूर्ति कोई प्रतिष्ठित मूर्ति घर में नहीं रखी जाती। ये 4 अंगुल है, बरोबर है, 4 4 8 और 1 अंगुल प्लस 1.25 इंच की एक उंगली होती है लगभग। 9 अंगुल से ऊपर की मूर्ति घर में, प्रतिष्ठित मूर्ति घर में रखने की मनाही है। पूरे घर में? हाँ, वो लगभग 6.5 इंच बढ़ेगा। ये हमारा जो स्वस्तिक बना हुआ है 9 अंगुल का लगभग बना हुआ है, क्योंकि स्वस्तिक का जो साइज है वो 9 अंगुल होना चाहिए। बड़ी मूर्ति है तो मंदिर में दान कर दीजिए, अगर मंदिर में दान नहीं कर सकते तो आपके पास सेपरेट मंदिर होना चाहिए, और जितने पूजा के विधान मंदिर में होते हैं वो आपके यहाँ परफॉर्म होने चाहिए। और फोटोग्राफ? फोटोग्राफ पे वो लागू नहीं होता है। तो क्योंकि मंदिर प्रतिष्ठित मूर्ति 9 अंगुल से अगर ऊपर होती है और उसकी पूरी पूजा विधान जैसे एक मंदिर के अंदर रोज होती है वो नहीं होती है, तो मंदिर में मूर्ति की अवमानना होती है। आपके घर में कोई मेहमान आया और आपने उसका उचित सम्मान नहीं किया तो वो खुश होके नहीं जाएगा, नाराज होके जाएगा। इसी तरीके से अपने घर के अंदर आप मूर्ति रखते हैं तो 9 अंगुल से ऊपर की मत रखिए, रखते हैं तो उसकी पूजा अर्चना उतनी करने का आप बंदोबस्त कर सकते हैं, ठीक है। साउथ ईस्ट कॉर्नर का बेडरूम हो और साउथ ईस्ट कॉर्नर के बेडरूम में साउथ ईस्ट के कॉर्नर में ही आपका बेड हो तो हाई ब्लड प्रेशर की तकलीफ होगी। साउथ ईस्ट कॉर्नर, यह है साउथ ईस्ट कॉर्नर। साउथ ईस्ट कॉर्नर में 4 कॉर्नर है, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। साउथ ईस्ट कॉर्नर के बेडरूम में आपके घर का साउथ ईस्ट कॉर्नर, वहां बेडरूम है, और उसके साउथ ईस्ट कॉर्नर में अगर आपका बेड है तो ब्लड प्रेशर की, हाई ब्लड प्रेशर की तकलीफ होगी। और अगर नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर के अंदर आपका बेडरूम है और उसमें नॉर्थ वेस्ट एरिया में आपका बेड है तो लो ब्लड प्रेशर की तकलीफ होगी। यहां पर अगर आपका बेडरूम है और यहां पर बेडरूम, यहां पर आपका ये रूम के अंदर आपका किचन है सपोज, और किचन में आप साउथ की तरफ फेस करके खाना बना रहे हैं, घर में साउथ में आपका किचन है और साउथ की तरफ फेस करके अगर आप खाना बना रहे हैं तो ये भी हीट रिलेटेड प्रॉब्लम्स देगा आपको, घुटने का दर्द है, हाई ब्लड प्रेशर वगैरह है, डायबिटीज है। डायबिटीज हीट रिलेटेड प्रॉब्लम में गिनी जाती है, तो यहाँ पर भी डायबिटीज के चांसेस है, यहाँ भी डायबिटीज के चांसेस है। अर्थराइटिस इज हीट रिलेटेड प्रॉब्लम, पाइल्स है, अर्थराइटिस है, हाई ब्लड प्रेशर है। फ्रोजन शोल्डर में अगर कॉर्नर साउथ, आपका कॉर्नर कटा हुआ है सपोज साउथ ईस्ट कॉर्नर कटा है तो राइट साइड के शोल्डर में पेन होगा, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर कटा है तो लेफ्ट साइड के आपके कंधे में दर्द होगा और उसको कोई मेडिसिन काम नहीं करती। उसके लिए आपको रेमेडियल मेजर करने पड़ते हैं जो वास्तु के हिसाब से हैं, तो उसमें थोड़ा सा चांस मिल जाता है। साउथ वेस्ट, मास्टर बेडरूम, हेड ऑफ द फैमिली, कर्ता जिसको बोलते हैं, हेड ऑफ द फैमिली का जो मोस्ट स्टेबिलिटी का जो कॉर्नर है पूरे घर के अंदर वो साउथ वेस्ट कॉर्नर होता है। साउथ वेस्ट कॉर्नर के साउथ वेस्ट कॉर्नर में, एक्सट्रीम साउथ वेस्ट कॉर्नर में आप तिजोरी रखिए नॉर्थ फेसिंग, उसके बाजू में आप अपना बेडरूम बेड लगाइए और बेड में साउथ की तरफ सिर करके आप सोएंगे तो यू विल फील कंफर्टेबल। अगर आपका नॉर्थ वेस्ट के अंदर है और आप 2 नंबर वाले नहीं होकर के 6 नंबर वाले हैं और नॉर्थ वेस्ट में आपका बेडरूम है,
या तो पति पत्नी साथ में नहीं सोते होंगे, पति हो सकता है टूर पे जाते निकल जाते हो, तो ऐसी पूरी रहेगी